फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दिस क्वेश्चन. आपके टोटल पांच क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ये थर्ड क्वेश्चन मैं कराता हूँ और बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हम करा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है इस तरह से, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, रफ फिगर है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ 90 डिग्री हो गया आपका. और यहाँ पर बोल रहा है कोट एक्स, कोट एक्स बता रखी है, रेशियो दे रखी है उसने 3/4 दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोली जाती है, याद रहे. तो जो कोटेक्स की वैल्यू है वो आपका वैसे क्या होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4. अच्छा ये लेंथ नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका पार्ट है. अगर एग्जैक्ट लेंथ होगी तो 3 का मल्टीपल में कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है, या 3m कह दो या 4m कह दो, राइट, ऐसे कह सकते हो अगर एग्जैक्ट की बात करें. तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा फिर, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा क्या आएगा, ये 5m आएगा निकल के. आपको बची भी बतानी है, अब तो बची भी बतानी है, तो बची भी क्या क्या बचनी है आपकी, देखो पहले लिखो साइन थीटा, फिर लिखो कोस थीटा, फिर लिखो टेन थीटा, और कोट तो लिख ही रखा है, उसके बाद लिखो सेक थीटा, और उसके बाद लिखो कोसेक थीटा. तो बराबर 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 बराबर. तो साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो पहले 4/5 लिख दो, पहले ये सारे जितने भी हैं लिख लीजिए, क्योंकि एम से एम कट जाएगा, रेशो की बात कर रहे हैं ना. और कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर जो ये एंगल है ये एक्स है इधर, इसके रेस्पेक्ट में हमने बनाया है. तो आपका ये जो कोस है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन थीटा, आप चाहो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/3, या देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और सेक थीटा आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या फिर कोस का रेसिप्रोकल. और कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल. अब देखिए ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड किसका घर होता है, तो थर्ड जो है आपका ये इन दोनों का घर होता है, और बाकी जितने भी हैं उन सबके आगे माइनस लगा दो. किसके आगे लगाओ, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस. तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है.